नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए लेके क्लास सिक्स की एनसीईआरटी का चैप्टर फोर, जिसका नाम है मानचित्र। मानचित्र दोस्तों, आज हम लोग मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ग्लोब में हमने देखा था, ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप, यानी कि उसके जैसा ही आकार लिए हुए एक प्रतिरूप जो हमें पृथ्वी के अध्ययन में सहायता करता है। तो उसे पृथ्वी का अध्ययन हम लोग आसानी से कर पाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मानचित्र की। तो हमने ग्लोब देखा था, अब हम देखेंगे मानचित्र। मानचित्र क्या होता है? ये जो कि पृथ्वी के किसी भी भाग का एक फ्लैट सरफेस पे, यानी कि एक किसी कागज पे या किसी जो बराबर सतह है उस पे खींचा गया चित्र होता है मानचित्र, जिसको किसी पैमाने के माध्यम से खींचा जाता है। जैसे ग्लोब में हमने देखा कि पृथ्वी की जो सारे महासागर महाद्वीप हैं उनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है, उनकी स्थिति का हम पता लगाते हैं। तो उसमें हम जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से उसकी स्थिति का पता लगाते हैं। तो ऐसे ही मानचित्र में एक पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम किसी भी चपटी सतह पे, किसी भी फ्लैट सरफेस पे उसका चित्र बना सके और उसकी दूरी का एग्जैक्ट दूरी का पता लगा सके। पैमाना क्या होता है? ये पैमाना जो होता है वास्तविक दूरी, मतलब जो वास्तविक किसी स्थान की, किसी जगह की जो वास्तविक दूरी है और जो उस पे लिखी जा रही है, मानी जा रही है, उसके बीच का अनुपात होता है, उसको पैमाना कहते हैं। तो उसके माध्यम से मानचित्र में दूरी को दिखाया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। अब मानचित्र में हम किसी एक भाग का विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए मानचित्र का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें मानचित्र के प्रकार की, तो मानचित्र मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमैटिक मानचित्र। अब बात करें भौतिक मानचित्र क्या होते हैं। तो भौतिक मानचित्र में जहाँ पे कहीं नदी, पठार, पर्वत, पहाड़ आदि को दर्शाया जाता है, उसको हम लोग भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप कहते हैं ना, कि जब मैप खरीदने जाते हैं तो कहते हैं फिजिकल मैप दे दो, तो वही होता है भौतिक मानचित्र, जिसमें सारे नदियाँ, पहाड़, पर्वत, उच्चावच पृथ्वी के सारे दिखाए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं, तो भौतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक पॉलिटिकल मैप, जिसमें सारे राज्य, उनकी बाउंड्रीज, सीमाएं, उनकी राजधानियां, उनके क्षेत्र, सारे गांव, देश, प्रदेश, सारी चीज़ें उसमें होती हैं मेंशन, वो राजनीतिक मानचित्र होता है। बात करें थीमैटिक मानचित्र, थीमैटिक मतलब थीम पे आधारित, इसकी कोई एक थीम होती है, जैसे कोई एक विशेष विषय पर बनाया गया मानचित्र थीमैटिक मानचित्र होता है। जैसे किसी सड़क का मानचित्र, वर्षा का मानचित्र, वन का मानचित्र और किसी उद्योग का मानचित्र, तो ये थे मानचित्र के कुछ प्रकार। अब हम बात कर लेते हैं मानचित्र के घटक के बारे में, कि मानचित्र के घटक क्या होते हैं। तो मानचित्र के तीन घटक हैं। कौन कौन से? दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक। तो मानचित्र पे दूरी दिखाई जाती है, जो दूरी दिखाई जाती है, बड़ी दूरी को पैमाने के माध्यम से उसको छोटी दूरी में बदल दिया जाता है, तो उसको दिखाया जाता है। तो हमने पैमाने में देखा था कि पैमाना क्या होता है, जो उसकी वास्तविक दूरी है और जो उसकी मानी गई दूरी है उसके बीच का अनुपात था पैमाना। तो वही दूरी में पैमाने का प्रयोग करके दूरी को माप लेते हैं। अगर हमने मान लिया मानचित्र में 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर
किलोमीटर तो क्या होगा 5 सेंटीमीटर। अगर मैप पे मानचित्र पे 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम 500 किलोमीटर ही मानेंगे। ठीक है, दिखाया गया 5 सेंटीमीटर लेकिन वो 500 किलोमीटर माना जाएगा, तो ये दूरी है। ठीक है, तो इसको ऐसे मापते हैं इस पे। अब हम बात करते हैं मानचित्र के दूसरे घटक यानी दिशा। दिशा तो आपने मानचित्र पे देखा होगा कि एक ऐसे एरो बना होता है और वहां पे ऊ लिखा होता है, ऊ लिखा होता है। तो जो ये एरो है ये उत्तर दिशा को दिखाता है। अगर हम उत्तर दिशा का ज्ञान कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उत्तर के अपोजिट दक्षिण, उसके दाहिने पूरब, उसके बाएं पश्चिम, तो सारी दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। और जो ये चार दिशाएं हैं, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, पश्चिम, इनको प्रधान दिग बिंदु कहते हैं, प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। जो ये चारों दिशाएं हैं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये प्रधान दिग बिंदु कहलाते हैं। और इसी में से हम दिशाएं निकालते हैं इन्हीं की सहायता से। ये क्या होगा, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, और ये क्या होगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ये दिशा क्या होगी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और ये क्या होगी, ये क्या होगी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो इस प्रकार से दिशाओं का ज्ञान करते हैं। इसी तरीके से हमने देखा था जो हमारे भारत की स्थिति है पृथ्वी पर, पृथ्वी पर तो हमने देखा था वो उत्तर पूर्व थी, उत्तरी पूरी तरीके से उत्तर पूर्वी गोलार्ध पे स्थित है, है ना। तो इसी टाइप से हम उत्तर पूर्व ऐसे निकाल लेते हैं, दक्षिण पूर्व, इन दिशाओं के हमें जो प्रधान दिग बिंदु ज्ञात है तो उनके माध्यम से हम और दिशाएं ज्ञात कर लेते हैं। एक दिक सूचक यंत्र होता है जो दिशा बताने के लिए, कंपास जिसको बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। और उसमें जो उसकी सुई होती है वो चुंबकत्व के कारण हमेशा उत्तर दिशा को बताती है, तो उसको उत्तर दिशा बताती है तो उससे फिर बाकी दिशाएं पता लग जाती हैं। हमने देखा था सौरमंडल में पृथ्वी में ध्रुव तारा के बारे में पढ़ा था जिसको उत्तरी तारा भी कहते हैं। रात के समय वो दिशा बताने में काम करता है कि वो हमेशा उत्तर ही दिशा में रहता है, तो उत्तरी तारा इसीलिए कहते हैं उसको। तो उत्तर दिशा हमको ज्ञात हो गई तो फिर हम पता लगा सकते हैं दक्षिण किधर होगा, पूरब किधर होगा और पश्चिम किधर होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले घटक की। तीसरा घटक प्रतीक है। प्रतीक, प्रतीक यानी कि किसी चीज को दिखाने वाला। किसी भी मानचित्र पे किसी भी चीज का, जैसे मान लो कोई भी आकृति है, किसी का घर है या फिर पहाड़ पर्वत, रेल की पटरियां, नदियां, इनका वास्तविक रूप दिखाना तो संभव है नहीं, तो इसी के लिए कुछ प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं आकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए। प्रतीक प्रयोग कर लेते हैं, जैसे नदियों के लिए ब्लू कलर की लाइन दे देते हैं, है ना। तो ये क्या है, प्रतीक है। और प्रतीक जो भाषा, ये भाषा सभी लोग समझते हैं, अगर किसी को कोई स्थानीय भाषा नहीं भी आती है तो प्रतीक की भाषा ऐसी है जो विश्व स्तर की, विश्व स्तरीय, विश्वव्यापी भाषा है। सब लोग उसको प्रतीक को समझ के उसको देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ ये प्रतीक क्या कह रहा है। जैसे रेलवे लाइन की पटरी पर ऐसे 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 प्रतीक का प्रयोग करते हैं, है ना, मैप में देखा होगा आप लोगों ने। और ये किसी भी मैप के अध्ययन को आसान बना देते हैं, इनको हम लोग ऋण प्रतीक भी कहते हैं, ऋण चिन्ह, ऋण चिन्ह कहते हैं ना, ऋण चिन्ह या ऋण प्रतीक कहते हैं। इसमें जो नदियों को दिखाने के लिए यानी कि जलाशयों को दिखाने के लिए कलर प्रयोग किया जाता है, तो ब्लू नीला कलर नदियों को दिखाता है, नीला नदियों का। तो उसमें ऐसे लाइन दे दी, जितनी भी नदियां होती हैं वो ब्लू कलर की लाइन से दिखाई जाती हैं। और अगर कोई नदी झील है तो वो ऐसे गोल आकार में दिखाया जाएगा, है ना, उसके आकार में
ब्लू कलर है पानी है पता चल जाता है, और भूरा कलर, भूरा कलर फिजिकल मैप में आपने देखा होगा, भूरा रंग पर्वतों को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, भूरे रंग से पर्वत श्रृंखलाएं दिखा दी जाती हैं। और पठार, पठार जो उठे हुए बाघ पठारों को दिखाने के लिए पीला कलर प्रयोग करते हैं, पीला रंग पठारी प्रदेशों को दिखाता है, पठारों को दिखाता है। और जो हरा रंग है, हरा रंग मैप में मैदान को दिखाता है, मैदान। तो ये कुछ प्रतीक हैं जो मैप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये थे मानचित्र के घटक। अब आपके एनसीईआरटी में ही मानचित्र के अलावा भी कुछ दे रखा है, रेखा चित्र के बारे में बताया गया, रेखा चित्र के बारे में तो देख लेते हैं रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र वो होते हैं जो किसी पैमाने पर आधारित नहीं होते, एक आरेखण होता है जो याददाश्त पे आधारित होता है, मतलब कि जैसे हमको कहीं जाना है तो मतलब हम कहीं जा चुके हैं और किसी को वहां जाना है तो उसको रास्ता बताना है, तो उसको रास्ता बताने के लिए कि तुम पहले सीधे चले जाओ फिर इधर मुड़ जाना, इस टाइप से जो रफली काम किया जाता है याददाश्त पे आधारित रेखाएं बना दी जाती हैं उसको रेखा चित्र कहते हैं। ये मतलब वहां पे जो गया व्यक्ति है जिसने देखा है उस स्थिति को वो अपनी याददाश्त के आधार पे इसको बता देता है। कच्चा आरेखण होता है, किसी पैमाने पर आधारित नहीं होता, यानी कि एग्जैक्ट हूबहू नहीं होता है लेकिन लगभग होता है, तो उसको रेखा चित्र कहते हैं। इसी प्रकार से आपके एनसीईआरटी में एक और मानचित्र के बारे में बताया गया है, एक चित्र है खाका के बारे में बताया गया है कि खाका क्या होता है। खाका जो होता है किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र। क्षेत्र कैसा है, छोटा क्षेत्र, पैमाना बड़ा, बड़े पैमाने पर, छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र। कहते हैं ना जैसे मकान का खाका तैयार करें, तो मकान का जैसे घर बनना है किसी का तो वो एक बड़ा सा खाका तैयार करता है जिसमें किसी कमरे की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, किचन कहाँ होगा, ड्राइंग रूम कहाँ होगा, ये सारी चीजें जो बनाई जाती है उसको खाका कहते हैं ना, कि खाका खींचना। और जो मानचित्र होते हैं वो हमें विस्तृत जानकारी देते हैं, बड़ी जानकारी देते हैं, ज्यादा चीजों के बारे में बताते हैं, लेकिन वो जो छोटी छोटी चीजें हैं उन चीजों को उसमें नहीं दिखाया जा सकता कि कोई बिल्डिंग कैसी है कहाँ पे, तो मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है, तो उसके लिए खाका का प्रयोग करते हैं। खाका हमें छोटी छोटी चीजों के बारे में, मतलब छोटी छोटी जानकारियां भी देता है जो कि बड़े पैमाने पर खींचा जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर 4 मानचित्र। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। हमारे ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।